राय बनाई हूँ। अच्छा, चावल हो गई, दाल चढ़ाई हूँ, रोटी होगी, फिर सब्जी। चावल आपकी फेवरेट सब्जी? मुनगा की, मुनगा शेवगा, ड्रमस्टिक्स, सूटी है ना? जरूरी है उसका हर एक नाम बताना, हर एक बार में सबको पता चलना चाहिए ना। क्या क्या नाम? और भी कुछ तो भी एक बोलते हैं। हाँ, बस कीजिए बस। बच्चे बच्चे के जवान रह जाएगा। और दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पर आके सीखा, अगर आप लोग का आटा ज्यादा गीला हो जाती है तो उसमें फटाक से थोड़ा तेल दे दीजिएगा, वो गीलापन सूख लेता है। आप बोल दीजिए मेरी आवाज अगर नहीं पहुंची। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। आटे में थोड़ा सा तेल लगा दो तो आटा बहुत अच्छे से ये हो जाता है, मतलब अच्छे से बन जाता है, डेवलप हो जाता है। जोहार दोस्तों, मैं गणेश जी और सावित्री कुमारी ऑफिशियल ये चैनल में आप सबका स्वागत है। और अभी मैं थोड़ा बाहर, और सावित्री जी मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा खाना वाना सब रेडी करके रहता, जल्दी से करो, आधे घंटे में करो। आप आते आते, आप आते आते सारा खाना मेरा तैयार है और फिर चलेंगे बाहर घूमने जाएंगे, कुछ मॉल वाल में कुछ सामान वगैरह। राशन भी खत्म हो गया, वो भी लाना है। ठीक है, आई। इधर से मेरे पतिदेव जी आ गए मार्केट से, और आज क्या क्या लेके आए हैं ये देख सकते हैं। ये है भरबट्टी। ऐसे हम लोग शाम को जाते हैं, लेकिन आज मेरे गणेश जी जल्दी गए कि सब्जी हमारे घर में डामाडोल हो चुकी, खत्म हो चुकी। क्या क्या लाए? ये है बरबट्टी की फल्ली, ये है भिंडी और धनिया इसके अंदर। अच्छा, और करेला, करेला भी लाए। करेला, ये दूधी। अच्छा, उसके बाद ये अदरक। अदरक कितना का मिला जी? ये 30 रुपए का, थोड़ा सा था, बहुत महंगा। कितना रेट हो गया? कितना रेट चल रही है अभी? और ये है आपका फेवरेट आम। ओहो, और ये मेरा सबसे प्यारा फल जामुन। जामुन कैसा कैसा मिला ये जामुन? अभी यहाँ रेट कैसे चल रही है? अभी तो बहुत महंगा, 40 रुपए पाव। बाप रे, 40 रुपए पाव है। और ये कितना है? कितना बोले? 3 पाव। 3 पाव, बाप। और ये है आलू। अगर हमारे झारखंड में रहते ना, ये भी महंगी हो गया आलू। सुनिए ना, अगर हमारे झारखंड में रहते तो सब खरीदना नहीं पड़ता। उधर है बहुत सारा जामुन पेड़, आम। आलू अभी आज 60 रुपए। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, इधर से खाना लग चुका है और अभी हम सब खाना खा रहे हैं। खाने में मेरा फेवरेट आम भी है और इधर सोटी की सब्जी है, जिसको जिसको इंग्लिश में ड्रम स्टिक्स भी कहा जाता है। एक्सप्लेन देने की जरूरत नहीं है। और इधर से है रोटी, सब्जी, दाल, और कुकर में क्या चावल है ना। और इधर सोटी की सब्जी आपने ली, और इधर आम और जामुन। तो इधर से हमारा सब खाना लग चुका है और अभी हम सब खाना खाने बैठ रहे हैं। तो आप भी वीडियो में कंटिन्यू रहिए, आइए खाना खाने। आप सब भी निमंत्रण है, सादर आमंत्रित है। हाँ, बोलिए क्या बोलते हैं आप सब भी हमारे इस भोजन में, छोटे से समारोह में सादर। जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इधर से मेरे गणेश जी, और आज मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि मुंह छुपाने वाली ही बात है। आज मैं आप लोग को सच में, जो आप लोग कमेंट करते हैं, जो आप लोग सोचते हो एक्चुअली सही है, तो मैं उसी से मिलाने जा रही हूँ। ठीक है, रेडी है ना? हंसी में मिलाने जा रही हूँ, और अभी इनके पास वो नहीं है, थोड़ी दूर में है। ठीक है, तो मैं उनसे मिलाने जा रही हूँ, और कंटिन्यू रहिए। आज का ब्लॉग आप मिस किए तो फिर सोच लीजिए। तैयार हो ना? चलिए, भुलाने की कोशिश मत कीजिएगा, इधर उधर उनको भटकाने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं आपके पीछा नहीं छोड़ने वाली। नहीं चलेगा। ये होती है घूस, जो मैं नहीं लेती। और दोस्तों, चलिए मैं मिलाने वाली हूँ एक ऐसे नए चेहरे से जिससे आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो चेहरा गणेश जी को पता है और उसके बाद मुझे पता चला। तो बहुत है गदगद, तो बहुत है, सामने में ही मंजिल है। रेडी रेडी रेडी। तो दोस्तों, मैं अपनी एक्चुअली सोतन से मिलाने आई हूँ। आप लोग सब बोलते थे कि इतना बूढ़ा है, ऐसा एज है, तो सच में मेरे पतिदेव शादीशुदा है। और एज की जहाँ से बात करूँ दोस्तों, मेरे से सिर्फ और सिर्फ 12 साल के बड़े हैं दोस्तों। ये 12 साल मेरे से 12 साल के बड़े हैं। 12 साल कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, मैं नहीं मानती, और मुझे पसंद है तो फिर और क्या बात है कि नहीं। तो चलिए मैं अपनी सोतन से मिलाती हूँ, और इतने एजेड हो गए हैं तो शादीशुदा तो बिल्कुल लाजमी है। और आप लोग भी सच बोल, आइए मेरे हीरो जी इधर आ जाइए। तो शादीशुदा मेरे पतिदेव कैसा लग रहा है? मैं सेकेंड वाइफ हूँ। ठीक है, और ये मेरे से मुझे पहले ही बता चुके थे कि मैं शादीशुदा और रहूंगा। क्या था? रहूं, हूं और रहूंगा, हमेशा रहूंगा।
तो और इनकी जो दूसरी वाइफ है, एक्सप्लेन आप ही कीजिए। तो थैला ही मेरी लैला है, ये है मेरी पहली पत्नी, ये थैले का बिजनेस। तो दोस्तों एक्चुअली इनकी जो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ, सबसे पहले इनका काम है और काम ही इनका पूजा है, उसके बाद मैम। वर्क इज वर्शिप, वर्क नहीं तो लाइफ नहीं है कि नहीं। तो सेकंड वाइफ जो इनके है वो है, आ गई बात समझ में आप लोगों को? और हाँ, इनका एक बच्चा भी है। आप लोग बोलते हैं ना कि इनके बच्चे भी होने चाहिए, इतने एज के है तो इनका बच्चा भी। मैं दिखाती ना, लाइए ना छोटा थैला। हाँ, छोटा थैला लाइए ना, ये देखिए। अरे जामुन वाला ही लाइए, कोई दिक्कत। ये देखिए जी, छोटा थैला, एक छोटा थैला निकाल के दीजिए। ये छोटा थैला खोल के दिखाती हूँ। नहीं नहीं वैसे मैं कर लूंगी। छोटा थैला दिखाई दे रही है आपको? ये छोटा थैला मतलब ये माँ, बड़ा थैला ये बच्चा। छोटा थैला और ऐसे भी कैसा है, बाप माँ बच्चा, ठीक है। हाँ बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं शुरू से ही थैले से बड़ा प्रेम करता हूँ, मेरे बिजनेस। और कितना साल से बिजनेस कर रहे हैं? मैं बिजनेस से, मेरे काम से, ये थैले के बिजनेस से मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसलिए फिर इतना प्रेम किया कि मैंने इसी को अपना जीवन बना लिया। इसलिए इनके पापा, आप बोलिए ना, आपके पापा शिक्षक थे, लेकिन आउटसाइड क्या करते थे? आउटसाइड साथ में ये काम करते थे वो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि तब के, तब गवर्नमेंट जॉब में पेमेंट कम मिलता था, तो वो सपोर्ट के लिए थोड़ा बहुत ऐसा थैले वगैरह का वो भी काम करते थे, थैले कैलेंडर वगैरह। तो उसके बाद मैंने थैले के बारे में और ज्यादा जानकारी निकाल के, उसकी तपस्या करके और ज्यादा बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते मैं आज थैले का बोले तो इस जिले का अकेला मालक बन गया। अकेला मालक बन गया और साथ में मेरा मालक, थैला का मालक के साथ साथ मेरे भी मालक हुआ। आपकी हाइट बढ़ा क्यों रहे, कब है ना? आपसे एक बात बताऊं, कितनी भी लड़की बोले कि मैं लड़का से हाइट में हूँ, लंबा हूँ, लेकिन जब लड़का के पास खड़ी होती है ना, थोड़ा सा छोटा पड़ जाती है। जैसे मैं मुझे लगता था कि मैं आपसे, अगर देखा जाए ना तो सही बात बताऊं तो अपन दोनों की हाइट बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। देखो कैसा है, थोड़ा सा नीचे हो, इतना रहना ही चाहिए फर्क, रहना चाहिए हद से ज्यादा। अगर समझो मैं बहुत ऊंचा रहता और आप एकदम नीचे रहते तो वो भी अच्छा नहीं लगता, और आप ऊंची रहती ज्यादा, मैं कम रहता तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, तो इस, ये जो है ये बहुत सही सिचुएशन है। हाँ, तो दोस्तों आप मेरे जो सौतन से मिल लिए होंगे, और कमेंट आप लोग को ये समझ में भी आ गया होगा कि इनका फर्स्ट मैरिज है या फिर सेकंड मैरिज है। और प्लीज़ ऐसा वैसा कमेंट ना कीजिए, खराब लगता है ऐसे। मैं तो हंस कर देती, ये भी हंस के पार कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें चुभता भी है जब ऐसे ऐसे कमेंट आती है। तो अगर हम लोग सोशल मीडिया के नहीं रहते और हम लोग शादी करते तो शायद हम लोग को कोई कुछ भी नहीं बोलता। हाँ, वो है कि नहीं। और फिर से मैं एक बात बता दूं, अगर हर एक लड़की को स्मार्ट ही लड़का मिले और स्मार्ट लड़का को अगर सुंदर ही लड़की मिले तो फिर हम जैसे लोगों का क्या होगा? ऐसे करने वाले पूरे इतने बड़े, इतना बड़ा देश है तो उसमें हम अकेले थोड़ी, ऐसे लाखों लोग होंगे जो 10-12 साल के बड़े छोटे होते हैं। लेकिन हम लोग की जोड़ी को पहली बार इतना पसंद कर किया गया, इतना सारा कमेंट किया गया। जब मेरी शादी हुई थी ना तो वीडियो डेली वायरल होता था। हम लोग का टैग, ये देखिए सावित्री का पति, ये देखिए, ये पैसे के लिए किया शादी, तो इनसे किया शादी, सनातन ने फंसा दिया, ये मतलब ऐसा कमेंट बेचारा, सब सब कोई जितना हमारे फैमिली थे सब देख के बोलते थे वाह क्या खूब कमेंट है इन लोगों का, जैसे इनके बाप दादा भाई बहन ने किसी ने किया ही नहीं। सोशल मीडिया है, शायद हमें वो आशीर्वाद मिला, वही मैं बोल रहा हूं, तभी हम लोग और फेमस हो गए। इतने बड़े, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। दोस्तों वीडियो हम लोग एंड करते हैं। एंड करने के पहले मैं एक बात बता दूं, हमारी दूसरी चैनल है मनीष सावित्री की जोड़ी, जो कि अभी हम लोग एक्टिव नहीं है, तीन ही वीडियो डाले हैं, लेकिन हाँ कुछ दिनों के बाद हम लोग एक्टिव धीरे-धीरे होंगे। उसमें आपको ब्लॉग, डांस, लिपसिंग, मतलब कॉमेडी, रेसिपी सब कुछ मिलेगा देखने को। वो खास करके स्पेशली हमारी गणेश जी का चैनल है, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा और बहुत जल्द एक्टिव होने वाले हैं। तो वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया। पसंद प्लीज ऐसी झारखंडी बेटी को और महाराष्ट्रियन बहू को प्यार देते रहिए। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।